Doctor, respected ma'am, and my dear friends, good afternoon everyone. My name is Nawaz Mahmood, I am from CS branch. My name is Azan Sidiq and I am from CS branch. Kim. My name is Azan Mishra and I am from CS branch. My name is Sivan Sahu, I am from CS branch. Iske barabar awaaz aani chahiye. Yes ma'am. So today's our topic is about investment. This is our topic. What is investing? Need of investment, implications, the return, golden rules of investment, interest, option for investment, short term investment and long term investment. What is investment? Anybody know? What is investment? इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिटर्न हो. देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्टली सच एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, एंड इनडायरेक्टली सच एज शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एसेट्रा. नीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमें पैसा इन्वेस्ट, हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? जैसे कि आपको पता ही होगा कि हर माँ बाप का एक सपना रहता है कि अपने बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल कॉलेज में एडमिशन करवाना, और अगर वो आज ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ही वो अपने बच्चों का लाइफ गोल जो होगा वो अचीव कर पाएंगे. और तो हमें फ्यूचर का भरोसा नहीं है, अगर आज से हम अपना इन्वेस्ट पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे तो फ्यूचर में हमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आएगी तो हमारे पास पैसा इन्वेस्ट किया रहेगा, तो हमें हमारे पास पैसा रहेगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं. इन्फ्लेशन, महंगाई, आपको पता ही होगा कि आज के टाइम में महंगाई कितना बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग डे बाई डे बढ़ता जा रहा है. ये फ्यूचर देख के आप समझ ही नहीं होंगे कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइस कितना बढ़ रहा है और हमारे वैल्यू ऑफ मनी कितना कम होते जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल 6% इन्फ्लेशन के साथ आज एक प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपीज़, आने वाले 20 साल के बाद उसी प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा 321 रुपीज़. अगर आप पैसा आज ही इन्वेस्ट नहीं करोगे आने वाले 20 साल में उस प्रोडक्ट को आप अचीव नहीं करोगे. रिटर्न, आपको पैसा वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से आपको रिटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन 6% में जैसे आए, यहाँ पे आपको इन्वेस्ट उसी जगह में करना चाहिए जहाँ पे आपको 6% से ज़्यादा मनी अर्न. My topic is golden rules of investment. So golden rules of investment, first is invest early, second is invest regularly, and third one is invest for long term, not for short term. So as you can see in the diagram, किसी बच्चे को अगर कोई खिलौना खरीदना होता है तो स्टार्टिंग करता है 1-2 रुपये जमा करके, फिर धीरे 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 100 रुपये जमा करेगा, फिर उसके अपना गोल सेट हो जाता है, उसके बाद वो खरीदना अपना गोल सेट करने के बाद अपना खिलौना खरीदेगा. वैसे ही हमें आज से ही करना चाहिए ताकि बाद में अपन को अगर कोई भी गोल अचीव करना है तो उसके लिए आज से इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है. सेकेंड वन इज इन्वेस्ट रेगुलरली. अगर हम सेकेंड वन इज इन्वेस्ट रेगुलरली, अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कंटिन्यूस करना चाहिए, जैसे पर मंथ, पर वीक, पर ईयर, ऐसे प्रकार से. जैसे अगर अपन कोई एक पेड़ उगाने, अगर उसको एक बार उगाने के बाद पानी नहीं देंगे तो वो पेड़ नष्ट हो जाएगा, इसलिए पेड़ उगाना है तो अपन को उसको रेगुलरली पानी देते रहना चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके. थर्ड वन इज गोइंग फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म में क्या है, रिस्क कम रहेगा और ग्रोथ की प्रॉबिलिटी ज़्यादा रहेगी. शॉर्ट टर्म में रिस्क ज़्यादा रहेगा, प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, लेकिन पैसे डूबने की प्रॉबिलिटी भी रहती है. सेकेंड पॉइंट, इम्पॉर्टेंट स्टेप टू इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टिंग करने से पहले हमें कुछ आर्टिकल बुक से पढ़ लेने चाहिए कि इन्वेस्टिंग होता क्या है, कैसे किया जाता है,
सो इन्वेस्ट करने में पैसा हमारा घटने का रिस्क कम रहेगा। एक्सेस द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से पहले अपन को कंपनी का देख लेना चाहिए कि उसमें रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना दे रहा है। थर्ड पॉइंट इज नो द लिक्विडिटी एंड सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के साथ ही साथ हमें देखना चाहिए हम इन्वेस्ट करते हैं किसी एक टाइम इंटरवल में करते हैं, फॉर वन वीक वन मंथ एंड वन ईयर। अपन कहीं देख रहे हैं इन्वेस्ट करने के बाद हमको लॉस हो रहा है तो अपन इस मनी को तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर विड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो हमारा पूरा पैसा डूब सकता है। तो इससे अच्छा होता है कि अपन लिक्विडिटी का मतलब यही होता है कि हम जब चाहें अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें रिस्क अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमें विड्रॉ करके अपना पैसा बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डील ओनली थ्रू और राइट इंटरमीडियरी। अब इन्वेस्टमेंट करना है अपने को पता नहीं इन्वेस्टमेंट होता क्या है तो अपन किसी से कंसल्टेंसी लेंगे, हो सकता है अपना फ्रेंड से लें या किसी और रिलेटिव वगैरह से लें। लेकिन अगर रिलेटिव से अगर और फ्रेंड से अपन लेंगे तो अपन को ये नहीं पता, गारंटी नहीं है कि वो सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है। तो ऐसे ब्रोकर वगैरह से ले सकते हैं अपन जो हमें सही गाइड करेंगे। वहाँ से जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो उसको उस टाइम इंटरवल के लिए लेंगे पैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने साहिल से 500 रुपये लिए तो 500 मैंने कुछ वन वीक के लिए, फिर उसको वन वीक के बाद 510 रुपये दिए। 10 रुपये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए दिए क्योंकि मैंने टाइम इंटरवल के लिए अपना होल्ड किया। वही जो 10 रुपये होता है वो अपना इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट होता है जो 500 का है वो टाइम इंटरवल में एक रेट में रहता है, जब रहता है जो 5% 10% होता है वो अपना इंटरेस्ट होता है। फैक्टर डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट रेट डिमांड फॉर मनी। जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ते जाता है डिमांड फॉर मनी घटते जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन एक लोन ले जाते हैं तो जहाँ इंटरेस्ट कम होगा वहाँ अपन लोन लेंगे ज़्यादा अमाउंट पे क्वान्टिटी पे, और जहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा वहाँ अपन कम लोन लेंगे। इसलिए इन्वर्सिव प्रॉब्लम हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इज लेवल फॉर गवर्नमेंट बोरोइंग। गवर्नमेंट को जब पब्लिक के लिए कुछ काम करवाना होता है लाइक रोड बनवाना है तो वो उसके पास पैसे नहीं होते तो वो क्या करेगा पब्लिक से पैसे मांगता है। पब्लिक से पैसे मांगता है कैसे, बॉन्ड निकलवाता है। वो बॉन्ड में फिर पब्लिक इन्वेस्ट करते हैं पैसे। इसके हिसाब से जैसे जैसे गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ता है वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट भी उसका बढ़ता है। थर्ड पॉइंट इज सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी भी वैसी है जैसे डिमांड फॉर मनी है, जैसे जैसे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है इंटरेस्ट रेट उसका घटते जाता है। फोर्थ पॉइंट है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट भी जैसे जैसे बढ़ता है और उसके यूनिवर्सिटी प्रपोर्शनल इंटरेस्ट रेट का जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी इंटरेस्ट रेट अपने आप घटते जाता है। माई टॉपिक इज ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब हमारे पास कितने सारे ऑप्शन हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो कुछ फिजिकल है और कुछ फाइनेंशियल एसेट्स हैं। फिजिकल में आता है जैसे रियल इस्टेट। आप क्या किए मान लीजिए आपको इन्वेस्ट करना है तो आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद लिए, उसको 5 साल 6 साल 10 साल बाद बेचेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ देगा आपको। आजकल तो ज़्यादातर बड़ी बड़ी सिटीज में वहाँ जो जमीन का रेट है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो रियल इस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है गोल्ड एंड ज्वेलरी। गोल्ड में क्या होता है देखिए, 2001 के साइड जो गोल्ड होता था 4,000-5,000 के आता था, आज का लोग 40,000-35,000 इस तक का पहुंच गया था। आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमोडिटीज मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर स्पाइसेस गोल्ड प्लस क्रूड ऑयल ये सब में इन्वेस्ट किया जाता है। फिर आता है फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल में क्या होता है फिक्स डिपॉजिट। फर्स्ट आप है ना फिक्स डिपॉजिट, मतलब आप बैंक में जाइए आप अपना 1 लाख रुपये रखिए उस पर इन्वेस्ट कर दीजिए, FD बना दीजिए, आपको सालाना मतलब 6% आपको मिल जाए। फिर आता है उसका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पे जाने आज का ट्रेंड चलता है म्यूचुअल फंड में 10% 15% ऐसा आता है, बट आप अच्छा जगह म्यूचुअल फंड देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड आता है सिक्योरिटीज़ मार्केट। सिक्योरिटीज़ मार्केट वो होती है जहाँ एक गवर्नमेंट एक सिक्योरिटीज निकालती है और वो क्या करती है एक वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर होती रहती है। बैंक क्या करते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को दूसरे देने के बजाय उसके बदले पैसा देती है, तो वो सिक्योरिटीज़ आप वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो जाता है आपका शेयर मार्केट। शेयर मार्केट को सब जानते हैं स्टॉक्स, स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है घट रही है आजकल सब सुनते ही आ रहे हैं, तो यहाँ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट आइकन्स, आप इनको जानते होंगे वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट जानते होंगे सबको सब लोग। हाँ देखो वॉरेन बफेट क्या है, वो इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट के बादशाह है सवाल, वो वर्ल्ड के बादशाह है, पूरे दुनिया के। उन्होंने देखो ये सजेशन आपने बताया कि इन्वेस्ट अर्ली, मतलब बोला कि इन्वेस्ट जल्दी करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? सुनो, जो वॉरेन बफेट ने आज वो उनकी नेटवर्थ 100 बिलियन है, मतलब आप अगर जीरो गिनोगे ना तो जीरो गिनते ही रह जाओगे, पता नहीं कितना जीरो होगा, गिनते गिनते थक जाओगे। तो वॉरेन बफेट ने इन्वेस्ट कब से स्टार्ट किया, 11 साल की उम्र में उसने एक शेयर लिया, हिस्सा ले लिया था। वो कुछ पड़ा था 27-28 स्टॉक का पड़ा था, तो उसने क्या किया, उसको लिया और उसने सोचा कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। नए नए लोग आते तो वही करते हैं कि अरे यार हम लोग आज इन्वेस्ट करेंगे कल को करोड़पति बन जाए, बट ऐसा नहीं होता है। तो उसने क्या कि खरीदा और देखा तो दो दिन में उसका प्राइस डाउन हो गया, मतलब $2 कुछ डाउन हुआ ना, तो डर गया कि क्या होगा, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, इतना अच्छा रिसर्च करके डाला था। तो फिर उसने ना जब वो 27 का 48 तक पहुँचा, कुछ $12 कुछ प्रॉफिट हुआ था, तो उसने उसको बेच दिया। पर उनको बाद में जो 2-4 महीने बाद पता चला, वो जो 27-28 का शेयर है वो 200 पहुँच गया था, 200 मान सकते हो ना। तो उसने ये मतलब सीख लिया कि ऐसे हड़बड़ा के किसी भी स्टॉक को खरीद के तुरंत बेच के नहीं करेगा कुछ। अगर तुमको अच्छा लग रहा है कि थोड़ा चलेगा तो आप ठहरो, रुको, होल्ड करके रखे रहो ताकि आपको प्रॉफिट मिले। वैसे ही अगर हम लोग देखा जाएगा राकेश जुटनवाला, ये हमारे इंडिया के वॉरेन बफेट हैं, मतलब इंडिया में इनको वॉरेन बफेट की उपाधि दी गई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंडिया का शेयर मार्केट के बाद से ये है। इन्होंने भी ऐसे स्टार्ट किया था, जैसे इन्होंने इनके पापा इन्वेस्ट क्या बोलते हैं टैक्स कंपनी के वो थे, इनकम टैक्स ऑफिसर थे। तो इनके पापा ने उनको मना कर दिए थे कि आप मैं तुम्हें क्या बोलते शेयर मार्केट में नहीं जाने दूँगा। तो इन्होंने क्या किया, मात्र 5,000 रुपये से स्टार्ट कर दिया। अब आप लोग सुने होंगे 5,000 में राकेश जुटनवाला 700-800 करोड़ 1,000 करोड़ बना दिए, बट ऐसा नहीं है। इन्वेस्टर इतना जल्दी नहीं कि 5,000 डाले और हम करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टर इन्होंने यहाँ जब आया तो इनको पता चला कि यहाँ तो पैसे की जरूरत है, तभी हम ज़्यादा पैसा कमा सकते। तो इन्होंने अपने भाई प्लस रिलेटिव से पैसा लिया, 10 लाख रुपये, उससे प्रॉफिट कमाया। फिर उसके बाद लोगों पर भरोसा आ गया, ट्रस्ट हो गया, तो फिर इन्होंने धीरे धीरे करके ग्रोथ करने लगा। तो आप भी जब इन्वेस्ट करिए तो थोड़े अच्छे से सोच समझ के और पूरी जानकारी लेने के बाद जाइए, कि ऐसा नहीं कि कोई बोला है इस कंपनी में डालना है तो इन्वेस्ट करें। फिर आते हैं हम कैसे कैसे प्रकार के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम लोग हमारे पास ऑप्शन है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन इन्वेस्टमेंट, जिसमें क्या होता है हम इन्वेस्ट करते हैं पर कुछ शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे हम लोग पैसे की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लॉन्ग टर्म में नहीं डाल सकते। अब कल को मुझे कुछ करना है तो मैं लॉन्ग टर्म में डालूँगा और निकल नहीं सकता, तो हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट टर्म में डालते हैं। शॉर्ट टर्म में कुछ कुछ ऑप्शन है आपके पास, सेविंग बैंक अकाउंट, मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स, और आता है फिक्स डिपॉजिट। तो सेविंग बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में क्या है, आप अपना पैसा बैंक में डाल दीजिए, वो आपको कुछ 4-5% इंटरेस्ट देता है, बट वो बहुत कम है क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि इन्फ्लेशन तो 6% से बढ़ रहा है, और आपका बैंक में 4% ले रहा है, तो वैसे आपके प्राइस के वैल्यू को, पैसे की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। तो ये अच्छा नहीं होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फिर आता है मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स। किसी को मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स के बारे में कुछ पता है? एनीवन नो एनीथिंग अबाउट द लिक्विड फंड्स और मनी मार्केट? अरे ठीक है, मैं बताता हूँ मनी मार्केट क्या होता है, लिक्विड फंड्स क्या होते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी को पैसे चाहिए, तो वो हमेशा शेयर में तो नहीं डाल देगा कि स्टॉक में हर बार, तो वो क्या करते हैं, उसको कुछ 3-4 महीने के लिए अगर पैसे चाहिए या फिर 1 साल से कम पैसे चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो एक इंस्ट्रूमेंट कुछ निकालेगा और वो पैसे ना किसी से लोन लेगा। तो लोन देने के लिए कौन कौन आएगा, तो एक फर्म आती है और एक होता है डायरेक्ट हम लोग। तो ये क्या होता है, एक फर्म को या सब लोग क्या करते हैं, सब पैसा अपना जमा करके फर्म में डाल देते हैं और वो क्या करती है, उसको लोन दे देती है कुछ 3-4 महीने के लिए। यहाँ आपको 6-7% ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है ना, और हम लोग भी डायरेक्ट जाके कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे FD में भी 6-7% ब्याज इंटरेस्ट मिलता है, पर यहाँ भी मिलता है, इसका फ़ायदा अभी आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये भी अच्छी जगह है इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पर क्या होता है, जब चाहे आप पैसा निकाल सकते हैं और कोई वो नहीं रहता, ज़्यादा चार्जेस नहीं कटता। हाँ, 1 हफ्ते से बाद में निकालना पड़ता है, क्योंकि 1 हफ्ते से पहले अगर आप निकाल लिए तो आपको कुछ लोन का इंटरेस्ट कुछ कट जाता है, तो 1 हफ्ते बाद आप कभी भी निकाल सकते हैं, आपको इंटरेस्ट सिर्फ 7% ही मिलेगा। फिर आता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट तो आप जाइए बैंक में जाइए, फिर वहाँ क्या कहते पैसे को 1 साल के लिए रख दीजिए, आपको 6-7% मिल जाता है इंटरेस्ट। तो आदमी अगर सोचे फिक्स डिपॉजिट और लिक्विड फंड्स में,
दोनों में अंतर क्या है? वो भी तो 6-7% दे रहा है और ये भी 6-7% दे रहा है, तो हम इसमें इसके बजाय उसमें क्यों क्यों करें, क्यों आपके लिक्विड फंड्स में जाए, फिक्स डिपॉजिट में क्यों नहीं जाए? तो इसका वजह सुनो, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, अगर आप एक साल से कम में पैसा डालते हैं तो आपको 6-7% नहीं मिलता, उसका कोई वो नहीं रहता, वो तो कम ही देता है। प्लस फिक्स डिपॉजिट में तो आप कॉलेज आने के टैक्स कटते हैं, अगर 10,000 से ज़्यादा अर्न कर लिए इंटरेस्ट से तो आपका TDS कटेगा, TDS मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है। तो हम लोग लिक्विड फंड्स में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वहाँ हम जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं और कुछ भी वहाँ पैसे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट So coming to the next topic, long-term financial investment. So basically, this type of post office savings funds and public provident funds, company fixed deposits, then bond and debentures, and mutual funds and shares. So coming to the first topic, post office savings. This is basically for those persons or for middle class people that don't want to invest in the stock market. It is a low risk investment. And it provides annually 8% interest, so that and the minimum investment amount is 500 rupees, and it can go up to your choice. Okay, then it is non-taxable. So if you withdraw the money, then no tax will be applicable, and it is no risk investment because in this type of investment it is regulated by government. So no risk of money. Then coming to the next topic, public provident fund. It is a scheme launched by the government of India for the lower middle class people and the middle class people to invest in low risk, and minimum investment required is 1,000 and the maximum goes to 1,50,000 per year, and the maturity of this funds are 15 years. Before that you can't withdraw the money. Okay, you can, the interest rate will not be applied if you withdraw the money before that. The interest payable in this investment are 8%, currently 8-9% are fluctuated in Indian government schemes. PPF account can be opened by all the nationalized people and can't be opened by NRIs or foreign people. Then coming to the next topic, company fixed deposit. These are the short term or long term FDs which you can file. Okay. Basically, in this type of investment, you can browse various type of company FDs like in banking, capital or other type of, and it provides flexibility because in this type of FD, you can withdraw your FD in monthly, quarterly, yearly, depending upon the type of investment you've done. Then the rate of interest varies between 6-9% per annum. It is a risk investment because in this type of investment it totally depends upon the performance of the company. So before investing in this type of investment, you can check the balance sheets, financial statements of the company, that the company is running with good debt holder. Okay, then interest. Then coming to the next topic, bonds. Bonds are basically investment securities that the investor gives to the government or public companies or private so for new projects or any other purposes. In the bonds are for 5 years, 2 years, depending upon the maturity period, and if the and before that you can't withdraw the. Likewise, if you take the example of LIC, LIC is basically a bond with a minimum maturity of 5 years, 10 years, depending upon which type of bond you are taking. The interest in this type of bond is 10% or 12%, 10-12%, and it is a low risk because your money is taken from public or government officers or firms who fund the projects. Okay, the next topic are mutual funds. Mutual funds are basically run by for those people who didn't want to invest in stock or
don't even know technical analysis of the stock market. So mutual funds are run by the firms or company officials, company or money manager who takes your assets or money and invest in a well portfolio of stocks, bonds and commodities market and of the minimum profit and gains and they gives you the other all profit to you. In this type of investment they are low risk investment and the returns in this type of investment are for yearly 10 to 12% and for 2 year investments it goes up to 18 to 22%, and if you are investing in 3 years this is the maximum time, or you can say the investors are being invested in this period. So the interest is due to 27%. I am telling about the HDFC company investment mutual funds. So this type of companies are high risk companies. Before investing in mutual funds, you have to check the ratings given by the companies, like the company are running on high risk or which stocks they are investing, like in tech stocks or in other type of motor. Okay, then coming to the next topic, shares. Shares are basically the total equity capital of a company divided into the equal units of a small denomination. Or basically we can say that if you are having 1000 rupees, okay, 1000 rupees in a company, then the lot size of the share are 100. So the one share of the company goes to 10 rupees and the 10 rupees are, if you are buying one share, then you are the office manager for those company, member of the company, and you have the voting rights. The interest for this type of investment are goes from 15 to 18% or depending upon the investment or the stock, because in this type of investment they are high risk profile investment. Okay, then here comes next. So thank you.